नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे आने वाली एक्सरसाइजों में। दोस्तों पहले हम छोटे से एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। दोस्तों एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई रूल और विभाजन यानी भाग करने का। तो दोस्तों पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि है क्या भाग करने का रूल। हम लोग बेसिक जानते हैं कैसे किया जाता है, उसी को आइए देखते हैं, फिर उसी सेम चीज को अप्लाई करेंगे हम बहुपदों के लिए, पॉलीनोमियल के लिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये घटता है तो ये 1 आ गया शेषफल। अब इसका नाम हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग शेषफल का नाम देते हैं। ये हमारा क्या है, ये शेषफल है, ये हमारा क्या है, भाजक है। भाजक का मतलब दोस्तों जो भाग करेगा, और ये क्या है, हमारा भाज्य है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है भागफल, यानी कि जो आंसर भाग देने पर जितनी बार गया है या जो आंसर आया हुआ है। तो अब यही सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और धन में शेषफल। तो ये शेषफल, अब जैसे इसका नाम आपको किताबों में मिलेगा, जैसे शेषफल है तो इसको रिमाइंडर ही बोलते हैं, तो इसको आपको मिल जाएगा, ये Rx मिल जाएगा इसका नाम। और भागफल तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है तो इसी का नाम हमने दे दिया है Qx, और यहाँ पे भाज्य है तो इसी को आपको मिलेगा किताबों में Px, और ये भाजक जो है इसी को मिलेगा नाम आपको Gx। तो यह सीधा सीधा भाज्य है हमारे पास Px, Px बराबर इसके भाजक का नाम है Gx, तो यहाँ पे Gx लिख दिया, मल्टीप्लाई भागफल है Qx, Qx लिख दिया, और प्लस में शेषफल यानी रिमाइंडर हमारे पास तो ये Rx है। तो यही सेम चीज आपको ये दोनों रूपों में मिलेगा किताबों में, इसी चीज को हमको अप्लाई करना है किसके लिए, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम में ही यही काम आने वाला है। किस प्रकार से हम सत्य प्रूफ करेंगे कि ये बात सत्य होती है, आइए देखते हैं। तो भाजक की वैल्यू है 2, भागफल की वैल्यू है कितनी 4, और शेषफल हमारे पास आया है 1, तो 2+4 हो जाएगा 8 धन 1, ये बराबर हो जाएगा 9 के। तो ये देखिए 9 यही क्या है हमारा, 9 है हमारा यही भाज्य, यही बराबर आ गया किसके, भाज्य के, या इसी का नाम तो था Px, ये किसके आ गया, Px के बराबर हो गया। तो आप देखेंगे ये हमारा प्रूफ हुआ कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे बहुपदों के लिए, आइए ध्यान से देखते हैं। तो पहले तो जैसे भाग हम देते हैं, यहाँ पे जितनी बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर यहाँ पे वो लिखा जाता है। तो अब 2x² है, अब एक एक पदों पर लेके, पहले 2x² को देख के चलते हैं, कितनी बार लेके चले, 2 और x, तो इसका और इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, इसका भी गुणा इसमें होगा तो 2×2=4, और में साथ में एक्स आ जाएगा, चिन्ह बदलता है तो प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, यहां पर भी हो जाएगा, अगर यहां माइनस होता तो प्लस आ जाता, तो ये सेम चीज 0 हो जाएगी। अब प्लस 3x में से -4x, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा तो -x, और ये उत्तर आएगा किसके साथ, प्लस में हमारे। अब कितनी बार लेके जाए तो हम देखेंगे कि -1 बार लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे इसका गुणा होगा, -1 का गुणा x में होगा तो -x, और 2 का -1 में तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों जगह माइनस था, प्लस माइनस कट जाएगा, और 1+2 बदल हो जाएगा हमारे पास 3, ये आ गया रिमाइंडर। तो दोस्तों अब यहाँ पे फिर वही चीज आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, तो इसी चीज को सेम अप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो ये है भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल और धन में हमारे साथ हो जाएगा शेषफल। तो अब सबकी वैल्यू को लिख लेते हैं, तो भाजक है हमारे पास x+2, और इसका गुणा हमको कराना है, भागफल है हमारे पास 2x माइनस में 1, और धन में है 3 शेषफल। तो अब इसका x का गुणा इसमें कराएंगे तो 2x में तो 2x², और -1 में कराएंगे तो -x, प्लस 2 का यहाँ पे हो जाएगा तो 2×2=4x हो जाएगा, और 1 का गुणा -1 का गुणा 2 में तो -2 हो जाएगा, और प्लस के साथ 3। अब देखेंगे तो 2x² एक ही जगह पे है तो 2x², यहाँ पर x, यहाँ पर भी x,
तो माइनस एक्स प्लस फोर एक्स तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस का वन क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। तो आप देखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक यही तो हमारे पास है दोस्तों भाज्य, यही तो है भाज्य या इसी का नाम हमने दिया हुआ है क्या होता है दोस्तों पी एक्स होता है। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन किताबों में आपको यही वाला मिलेगा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। यही होती है दोस्तों बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कि किस प्रकार से हम बहुपदों का भाग करेंगे यही सीखना है। हम ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे सेम यहाँ पे जितनी बार लेके जाते हैं उसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे ज्यादा बार नहीं लेके जाना है, या तो बराबर या तो कम, तो वही सेम काम यहाँ पर भी। और इसमें हम पहले ध्यान देते हैं कि इतना बार लेके जाए ये पहला वाला 100% कट ही जाए, वो हमारे ऊपर होता है चाहे जितनी बार लेके जाए, तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका यूज क्या है दोस्तों, तो यूज ये है जैसे कहीं पे आपको भाज्य दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, तो आपको भाजक पूछेगा क्या होगा, या कहीं पे भागफल न दे करके ये तीनों चीजें दे दी तो आपको भागफल बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रश्नावली 2.3 में 2.4 में देखने के लिए मिलेंगी, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 2.3 के सोल्यूशन के साथ।